नमस्कार, सुबह के 8 बजने को है आपके साथ, मैं हूं विद्यानाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश और दुनिया में क्या हुआ और क्या हो रहा है न्यूज 50 में। यूपी में नए मुख्यमंत्री को लेकर जारी अटकलों के बीच मनोज सिन्हा ने काशी में किया काल भैरव का दर्शन, बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान आज लखनऊ में होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक में, नेता का चुनाव होगा। कल दोपहर लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में शपथ लेंगे उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। शपथ समारोह में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। मनोज सिन्हा के यूपी के नए मुख्यमंत्री होने की अटकलें, लेकिन संचार मंत्री ने खुद को बताया रेस से अलग। आज उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत, देहरादून की परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। बीजेपी विधायकों का नेता चुने जाने के बाद त्रिवेंद्र रावत का वादा, कहा प्रदेश में बनेगी पारदर्शी सरकार, उत्तराखंड से हटेगा भ्रष्टाचार। त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड का सीएम बनाए जाने पर जश्न, देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर डांस किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के गांव में भी खुशी की लहर, उत्तराखंड के खैराशैंड में जगह जगह पटाखे फोड़े गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कैबिनेट की पहली बैठक आज, किसानों की कर्ज माफी, राज्य को नशे से मुक्ति दिलाने पर फैसले की उम्मीद। गोवा में पार्टी से बगावत करने वाले विश्वजीत राणे पर गंभीर आरोप, कांग्रेस नेता चंद्रकांत ने कहा पर्रिकर को जानकारी पहुंचाते थे। 2000 का नोट वापस नहीं लेगी सरकार, नए नोट को वापस लेने की अटकलों को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया खारिज। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य सरकारों को कहा पुलिस में 33% पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व किए जाए। महिलाओं की रक्षा और साइबर सुरक्षा के लिए हो रहा है निर्भया फंड का इस्तेमाल, करीब 40,000 पुलिसकर्मियों को दी जा रही है ट्रेनिंग, गृहमंत्री का बयान। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बयान, शैक्षणिक संस्थानों में असहिष्णुता और नफरत जैसी बातों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन की जोरदार तैयारी, कल अमित शाह करेंगे संबोधित। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अपने हाथों से लगाई कुर्सियां, एमसीडी चुनाव में 272 में से 230 सीटें जीतने का दावा। दिल्ली बीजेपी की चुनाव आयुक्त से मांग, राजधानी में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर लगे आम आदमी क्लिनिक के बोर्ड हटाए जाए। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने देश के लोगों से कश्मीर आने की अपील की, कहा कश्मीर में फिर अमन शांति देखने की कोशिश वो कर रही है। पाकिस्तान में लापता हुए दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह के खादिमों का अब तक कोई सुराग नहीं, परिवार परेशान, विदेश मंत्री ने ली पाकिस्तान से जानकारी। पाकिस्तान में लापता मौलाना के परिवार वालों का बयान, कहा दरगाह पर चादर चढ़ाने गए थे, एयरपोर्ट से ही लापता हैं दोनों। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान, दोनों धर्मगुरुओं के पाकिस्तानी मेजबान से भारतीय हाई कमीशन ने किया संपर्क, लगता है वो किसी दबाव में। हरियाणा में आज खत्म होगा जाट आरक्षण आंदोलनकारियों का धरना, सरकार ने मानी प्रदर्शनकारियों की साथ मांगे। किसानों की कर्ज माफी को लेकर महाराष्ट्र के सीएम ने वित्त मंत्री जेटली से की मुलाकात, फडणवीस ने कहा राज्य के पास कर्ज माफी लायक फंड नहीं। उद्धव ठाकरे ने मुंबई राजभवन में प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात, राष्ट्रपति के सामने किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा भी उठाया। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया है, कहा विपक्षी पार्टियों को किसानों की परवाह नहीं है। दिल्ली में पायलट और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए एशिया का पहला ट्रेनिंग सेंटर खोलेगी एयरबस, अगले साल तक शुरू होने की उम्मीद। दिल्ली के द्वारका में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल का शव सीढ़ियों की ग्रिल से लटका हुआ मिला, वित्तीय हेराफेरी मामले की जांच से थे परेशान। दिल्ली में कार चोर गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 देसी पिस्टल, 6 कारतूस बरामद। मुंबई के मुरौन इलाके में 1 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी जब्त कर ली गई है, फाइनेंशियल कंपनी के पास कर्मचारी गिरफ्तार। आगरा में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की धमकी भरा खत मिलने से हड़कंप, बाणई स्टेशन के पास पटरी पर रखा था पत्थर और खत। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मालगाड़ी ने सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन को मारी टक्कर, 5 यात्रियों के पैर कटे, कई बुरी तरह से जख्मी। यूपी के बुलंदशहर में धार्मिक इमारत पर बीजेपी का झंडा फहराने की कोशिश, 2 गुटों में झड़प, तनाव के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी के हरदोई में बीजेपी समर्थकों के घरों में घुसकर मारपीट, बीएसपी उम्मीदवार अनुपम दुबे के समर्थकों पर मारपीट का लगा आरोप। यूपी के प्रतापगढ़ में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग।
गुजरात के दाहोद में दो नाबालिग बहनों को अगवा कर किया गया रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू में 7 साल की बच्ची से रेप, रिश्तेदार ने बनाया हवस का शिकार। एमपी के इंदौर में मंदिर परिसर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद, पुलिस ने मंदिर के पुजारी को हिरासत में लेकर की पूछताछ। एमपी के जबलपुर में पुलिस ने अवैध हथियार बेचने के आरोप में 5 लोगों को किया गिरफ्तार, 6 देसी पिस्टल भी बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के खंडवा में आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर एसिड से हमला, सट्टा खेलने के दौरान हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के मुरैना में नाबालिग छात्र ने की खुदकुशी, घर में फांसी के फंदे से लटक कर दी जान। हैदराबाद में 7वीं क्लास की 5 लड़कियां गायब, परिजनों ने पुलिस से की शिकायत, तलाश जारी। हैदराबाद में मां ने गर्म चम्मच से बच्चे के शरीर को दागा, पिता की शिकायत पर महिला और उसके दूसरे पति के खिलाफ केस दर्ज। सूरत की एक इमारत में लगी भयंकर आग, मौके पर आग बुझाने पहुंची दमकल की 10 गाड़ियां। हरिद्वार में स्कूटी को बचाने की कोशिश में तेल से भरा टैंकर बेकाबू होकर गड्ढे में पलटा, हादसे के बाद तेल लूटने के लिए अफरा तफरी। बेंगलुरु में पासिंग आउट परेड में शामिल हुए 16 कुत्ते और 32 हैंडलर्स सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते में शामिल। रांची टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने खेल खत्म होने तक पहली पारी में बनाए 1 विकेट खोकर 120 रन, ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी 331 रनों की बढ़त। न्यूयॉर्क में सीक्रेट सर्विस के एजेंट की गाड़ी से लैपटॉप चोरी होने से मचा हड़कंप, लैपटॉप में कई संवेदनशील जानकारियां मौजूद। पेरू में बाढ़ से अब तक 62 लोगों की मौत, भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा, कई प्रमुख सड़कें बंद कर दी गई। चीन के चोंगक्विंग में एक्सलेटर में फंसा 6 साल का बच्चा करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने सुरक्षित बचाया।